थोड़ा बहुत कुछ मैंने याद किया है वो मैं आपको बताने समझाने का प्रयास करूँगी। लब्धवासु दुर्लभविदं बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम पीह धीर तूर्णम यतेत न पते धन्युमर्तु यावत निश्रेषाय विषय खलु सर्वत्र स्यात्। लब्ध मीन्स प्राप्त हुआ है, मनुष्य सुदुर्लभविदं बहुत मुश्किल से बहुत कठिनाई से जो आसानी से प्राप्त न हो, मनु बहु संभवान्ते बहुत जन्मों के बाद यह मनुष्य जन्म हमें बड़ी कठिनाई से बहुत जन्मों के बाद 84 लाख योनियां भटकने के बाद हमें यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। यह मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि का अर्थ प्रदान करने वाला है। भगवान की भक्ति, भगवान का शुद्ध प्रेम रूपी धन जो हमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म में ही प्राप्त करवा सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर से उबार कर नित्य सुख और शांति प्रदान करने वाला है। मतलब कि जैसे एक मनुष्य जन्म जो होता है वो एक तो बड़ी मुश्किल से मिलता है और उस पर क्या है कि हम भगवान का भक्ति नहीं करते, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है जितना जल्दी हो सके क्षण मात्र का विलंब किए बिना, मतलब किसी क्षण को एक भी क्षण गवाए बिना भगवान जी का हमारे साथ क्या संबंध है उसको जानने का अतिशीघ्र ही चेष्टा करता है और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करता है। और बड़े सौभाग्य से हमें गुरु परंपरा के अंतर्गत प्रमाणिक गुरुदेव प्राप्त हुए हैं। इनकी कृपा से जिस प्रकार हम अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ बाकी सभी लोगों पर भी ऐसी ही कृपा, ऐसा ही कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरु व्यस्त कृपया सिंधु एवं पतिता नाम पावने भी वैष्णव अपना बच्चों को ना रोज रोज सुनाएगा नहीं तो सात ओम ज्ञान केन्द्रं स्वयं ज्ञानञ्जय सदाज्ञान चक्षुर्विदितं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे रामचन्द्राय राधिकाय सदानाय कृष्णाय विष्णुभक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और बोलिए प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि शास्त्र प्रणाम करता हूँ। उपस्थित वैष्णव की मातृभाई है सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम। जैसे कि हम पिछले कई दिनों से महाराज जी के मुखारविंद से जगन्नाथ जी की यात्रा और जगन्नाथ जी के जो विषय में हम और प्रभु जी से भी हमने कल सुना, तो मैं थोड़ा बहुत मैं जो भी जानता हूँ मैंने जो वैष्णव से सुना है मैं थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमें पूछा जाए कि चार धाम कौन से हैं तो हम कौन से बोलते हैं, कौन से चार धाम हैं? हाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री है ना, यही बोल रहे हैं चार धाम। पर वास्तव में ये चार धाम कहते हैं एक मुख्य गौण, ये गौण है। मुख्य चार धाम जो बताए गए हैं जो सतयुग था ना, सतयुग जब स्टार्ट होता सतयुग का जो धाम था वो कौन सा था? बद्रीनाथ। उसके बाद जब त्रेता युग आया तो उसका मुख्य धाम कौन सा था? कौन सा था? रामेश्वरम। उसके बाद जब द्वारका आया तो उसका मुख्य धाम कौन सा था? द्वारका। और अभी कलयुग चल रहा है तो कलयुग का मुख्य धाम क्या है? जगन्नाथपुरी। ठीक है, तो हमेशा अभी देखो कलयुग में है ना, कहीं हम जाए ना जाए लेकिन हमें कम से कम इस जीवन में तो जगन्नाथपुरी में तो जाना जरूरी चाहिए क्योंकि वही इस कलयुग का धाम है, तो जरूर जाना चाहिए हर एक व्यक्ति को एक जीवन में अपने उसमें तो जरूर जाना चाहिए उसमें जगन्नाथ धाम में। तो गुरु जी अभी कुछ दिन पहले बता रहे थे एक श्लोक था कि रथे वामनम दृष्टा पुनर्जन्म विद्यते, कुछ ऐसी था गुरुदेव कुछ, तो उसमें बताया गया कि जो अगर जिसने भी जिस व्यक्ति ने भी जगन्नाथ जी को रथ में देख लिया ना उसका दोबारा जन्म नहीं होता, दोबारा जन्म नहीं होता, और ये वास्तव में सत्य है। तो जब जगन्नाथ जी की यात्रा होती थी तो जो भी व्यक्ति जो भी भक्त लोग जगन्नाथ जी को देखते थे उनका पुनर्जन्म ही नहीं होता था, तो जो यमराज जी थे ना वो परेशान हो गए कि भैया सारे के सारे तो जा रहे वापस ही नहीं आ रहे,
ये तो मेरे पास ही नहीं आ रहा भाई, मेरी तो दुकान बंद हो गई। वो भगवान के पास गए कि भगवान मेरी तो आपने दुकान ही बंद कर दी, जब सारे के सारे लोग जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेंगे तो मेरे पास कौन आएगा, मैं क्या, मुझे आपने क्यों बिठा रखा, मुझे यमराज क्यों बना रखा है। तो कलयुग में अगर सारे लोग दर्शन कर लेंगे तो क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है मैं व्यवस्था करते हैं। तो एक सिंह द्वार है जगन्नाथपुरी में, तो जब भी हम जो वहाँ लोग आते हैं ना, बहुत सारे लोग आते हैं, देखो भक्ति भी आते हैं, कर्मकांडी भी आते हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं वो भी जाते हैं, अपनी इच्छाएं लेके जाते हैं, बहुत सारे तरह तरह के लोग होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ पे बताया गया कि जगन्नाथपुरी के जो सिंह द्वार पे ना भगवान ने यमराज जी को थोड़ा स्थान दिया है, एक काला पत्थर है, देखो ध्यान से सुनना, वो काला पत्थर ऐसा है वो बिछा हुआ है बिल्कुल टाइल जैसा, अगर आपने पूरे दर्शन करने के बाद उस पर पैर रख दिया तो मतलब आपने जो भी दर्शन किया ना उसका सारा फल खत्म, वो सारा फल खत्म। लेकिन ये कैसे क्यों है, क्योंकि अगर सारे लोग दर्शन कर लेंगे, सारे भगवत धाम चले जाएंगे तो यमराज जी के पास कौन जाएगा, तो वो बताया गया काला पत्थर। तो उसे बचने का तरीका क्या है, वैष्णव संग। तो जब भी जाओ हमें क्या किसके अनुगत्य में जाना चाहिए, वैष्णव के अनुगत्य में, ठीक है। जब देखो वैष्णव लोग भक्त लोग जाएंगे ना, अगर उनके चरण पड़ भी गए तो क्या यमराज जी तुम्हें दंड देंगे, नहीं, यमराज जी तो प्रसन्न होंगे, क्यों, वैष्णव के चरण पड़े है ना, वैष्णव के चरण पड़े। लेकिन जो भक्त लोग हैं ना, अगर उन्होंने दर्शन कर लिया तो उनको उस चीज़ का फल होगा। देखो भगवान का दर्शन करने का तो फल तो वैसे कभी नष्ट होता नहीं, पर जो मुख्य फल है ना वो नहीं मिलता, ठीक है। तो कभी भी जाओ जगन्नाथपुरी, हमेशा वैष्णव के संग में जाओ, वैष्णव के अनुगत्य में जाओ। तो एक जगन्नाथपुरी के जो सिंह द्वार थे ना, वहाँ पे एक जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त रहते थे, उनका नाम था रघुदास के नाम से बड़े फेमस थे वो। लेकिन जो वो रघुदास थे ना, वो भगवान श्री राम के उपासक थे, वो भगवान श्री राम को मानते थे, उनकी उपासना करते थे। एक बार वो मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो उन्होंने क्या देखा, जो गर्भगृह है ना भगवान का, उसमें उन्हें भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता मैया और हनुमान जी के दर्शन हो गए। बड़े प्रसन्न हुए कि यही मेरे भगवान है, अब से यही मेरे भगवान है, रोज उनके दर्शन करने आते हैं। तो एक दिन उनके मन में इच्छा हुई मैं भगवान की कुछ सेवा करूँ जगन्नाथ जी की। उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह वाटिका में गए, बहुत सारे पुष्प चयन किए, बढ़िया बढ़िया उन्होंने पुष्प चयन किए और भगवान के लिए सुंदर सी जगन्नाथ जी के लिए हार बनाया, फूलों का हार बनाया। और जब वहाँ के पंडित के पास गए, बोला कि इस हार को भगवान को अर्पित करो। तो उस समय क्या था, जो उन्होंने देखा पंडों ने, जो जगन्नाथ जी का जो हार बनाया गया है वो किस पे बनाया गया, केले की जो छाल होती है ना उसकी रस्सी से बनाया गया है, तो वो उसका अंदर प्रवेश वर्जित है। उन्होंने कह दिया नहीं, ये हार जगन्नाथ जी को नहीं चढ़ेगा, वो वापस दे दिया। जो रघुदास थे ना बड़े दुखी, कि एक तो पहली बार तो उनके मन में इच्छा हुई थी जगन्नाथ जी की सेवा करने की है, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक माला बनाई थी और वो माला भी उन्हें वापस मिल गई। घर में आके उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और रोने लगे, और रात भर रोते रहे, फूलों की माला वहीं रख के रोते रहे रात भर, और कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया। देखो भगवान बड़े भक्त वत्सल है, जगन्नाथ जी से रहा नहीं गया। अब जैसे ही रात्रि हुई, भगवान को शयन दिया, जैसे ही जो वहाँ का मुख्य पुजारी था ना उसको निंद्रा आई, तो उसके सपने में जगन्नाथ जी आ गए और पुजारी को डालने लगे, हे तूने मेरे भक्त को कैसे भगाया है, वो मेरे लिए फूलों की माला लेके आया था है रघुदास, तूने उसे कैसे मना कर दिया, तुझे पता है वो मेरे लिए कितने प्रेम से लेके आया था, जाओ अभी जाओ और मेरे को माला पहनाओ अभी जाओ। भक्त ने कहा, जो पुजारी था वो खड़ा हो गया सपने में, ये क्या हो गया, उसे याद आया हाँ एक भक्त तो आया था फूलों की माला लेके और हमने उसे भगा दिया, नहीं उससे पहले हुआ क्या था, वो रात्रि में श्रृंगार होता है ना, जब भगवान को भोग लग जाता है तो उसके बाद भगवान को फूलों का एक श्रृंगार होता है, उसे कोई बड़ा श्रृंगार कुछ कहते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे एक फोटो लिखी है ना, देखो जगन्नाथ जी को पुष्पों का श्रृंगार किया गया। तो जैसे ही वो पुष्प चढ़ा रहे पुजारी लोग, एक भी पुष्प भगवान के ऊपर नहीं लग रहा, सारे के सारे गिर जा रहे। सब पंडे कहने लगे भैया क्या हो गया, वो जितनी भी माला पहना है फूलों का श्रृंगार करे सब गिर जाए, सब कह रहे भैया कुछ अपराध हुआ है, तो हम क्या करते हैं आज, हमें अपराध हुआ है क्या करें। तो जब वो फिर उसके बाद पंडे के सपने में आए भगवान और बताया कि तुमने अपराध किया, तुमने मेरे भक्त से उसको मेरी सेवा करने का अवसर नहीं दिया, उससे उसकी
सेवा छीन ली, तो जाओ अभी जाओ। वो उसी समय आए और उस रघुदास के घर में गए, उन्होंने उसे क्षमा मांगी और उसकी माला ली और भगवान जगन्नाथ जी को अर्पित की। तो जो भक्त है बड़ा प्रसन्न हुआ, तो भगवान ने उसकी सेवा ग्रहण की। तो देखो भगवान ने उसकी कैसे सेवा ग्रहण की, भक्त वत्सलता के कारण। तो उसका भगवान से क्या हो गया, साख्य भाव हो गया, तो भगवान को अपना दोस्त मानने लगा कि ये मेरे साख्य भाव। वो थे तो बड़े वृद्ध थे, लेकिन उनका मन कैसा था, बच्चों की तरह था। और जगन्नाथ जी भी उनसे बिल्कुल मित्रता हो गई, जगन्नाथ जी की उनसे, रघुदास से। अब एक समय की बात है, वो क्या हुआ, वृद्ध हो गए, थोड़ा वृद्ध थे, अकेले रहते थे, भजन करते थे सिंह द्वार के पास। तो जैसे कहते लूज मोशन उन्हें लग गए, उनका पेट प्रॉब्लम हो गई, पेट खराब हो गया और शरीर में शक्ति खत्म हो गई शरीर की, और मल मूत्र त्यागने लगे, बिस्तर भी बड़ी दयनीय अवस्था हो गई उनकी, दर्द के कारण बेहोश अवस्था में वो बिस्तर में पड़े रहते हैं, और बिस्तर में मल मूत्र त्यागने लगे, कोई खाने पीने की शुद्ध नहीं, कोई किसी की शुद्ध नहीं, कोई उनकी सेवा करने वाला भी नहीं। तो रोज़ एक बालक आने लगा, वो रोज़ आता, उनको नहलाता धुलाता, उनकी सफाई करता, उनके वस्त्र धोता, पूरी सफाई की, उन्हें भोजन कराता, प्रसाद देता, जल देता। वो जब उनके अंदर थोड़ी ब्राइस अपने अंदर स्फूर्ति भी उनके अंदर थोड़ा उन्हें होश आया, तो उन्होंने देखा मेरी सेवा कौन कर रहा है, मेरी सेवा कौन कर रहा है। तो देखा वो कौन थे, बालक रूप में कौन थे, जगन्नाथ जी स्वयं उसकी सेवा कर रहे थे। देखो भगवान अपने भक्त के सेवा करने के लिए उनका मन मूत्र तक साफ करने आ गए, इतनी उनके अंदर प्रीति थी भक्त के प्रति, है ना। इतना वो जगन्नाथ जी के पैर में गिर गए कि भगवान आप क्या कर रहे हो, आप चाहते तो मेरी सारी बीमारी दूर कर सकते थे, आपको तो मेरी सेवा क्यों की है, आपने तो मुझे क्या बोल, मैं आपने तो कहीं का नहीं रखा मुझे, मेरा तो आप मैं आपका कुछ मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं बोलने के लिए, भगवान आपने क्या कर दिया मेरे साथ है, मैं क्या किसको मुंह दिखाऊंगा, आपने इतनी मेरी सेवा कर दी, मेरे साथ मेरा मल मूत्र तक साफ किया आपने है। वो व्यक्ति तो भगवान के चरणों में गिर के रोने लगा, बोला भगवान आप तो सब कुछ कर सकते हो, फिर आपने ये क्यों किया। तो भगवान ने क्या बोला, भगवान ने बोला ये तुम्हारे प्रारब्ध थे, प्रारब्ध मतलब जो तुम्हें भोगना है ना इस मनुष्य देह में, वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, मदद कर देते हैं कि जैसे ही वो तुम्हारे सारे प्रारब्ध कट जाए, जो तुम्हारे पाप है ना वो हमें तो भोगने पड़ेंगे, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ सारे के सारे पाप कट जाए और तुम मेरे धाम में मेरे साथ वापस चलो। तो भगवान ने अपने जो भक्त पर बड़ी कृपा की। तो देखो भगवान के साथ उनका कैसा संबंध था, मित्रता का, वो बड़े अच्छे दोस्त थे। एक दिन रात्रि में रघुदास जी रात को सो रहे थे, तो भगवान बालक रूप में आए, जगन्नाथ जी बालक रूप में आते थे क्योंकि उनका मित्र था, मित्र के उनसे मित्र का संबंध था। तो उठे बोले रघु उठो, ओ रघु उठो, भगवान ने कहा, उठ गए वो, उठे रघुदास, पूछा क्या हुआ, कहते चलो कुछ एक कहीं चलो मेरे साथ, फटाफट तैयार हो जाओ। तो रघुदास ने बोला भैया कहाँ जाना है, कह रहे देखो आज हम चोरी करने चलते हैं। तो उन्होंने कहा चोरी करने, अरे भगवान क्या चोरी करने से करेंगे, कह रहे आज ना हम राजा के बगीचे में जाके कटहल चोरी करेंगे, मेरा मन कर रहा है बड़ा कटहल खाने का। कौन से कटहल, आपने देखा होगा पका हुआ कटहल होता है ना, जगन्नाथपुरी में भगवान को पका हुआ कटहल ऑफर होता है, भोग लगता है। तो जगन्नाथ जी बोलने लगे रघुदास से कि मेरा आज कटहल खाने का मन कर रहा है, एक काम करते हैं राजा के बाग में चोरी करने चलते हैं। रघुदास कहने लगे हे भगवान आप चोरी कराओगे और खुद भी चोरी करोगे, अरे भगवान आप तो बोलो, आपके लिए तो मैं ही ले आता हूँ, अभी मैं भी ले आता हूँ आपके लिए कटहल खरीद के है, आपको तो रोज़ भोग लगता है। तो भगवान कह रहे नहीं भोग तो लगता है पर मुझे आनंद नहीं आता, जो आनंद ना चोरी करके खाने में ना वो भोग में वो आनंद नहीं है, मुझे तो चोरी करने। उन्होंने भगवान आप तो पहले से चोर हो हैं, पहले मक्खन चुराते थे, गोपियों के वस्त्र चुराते थे हैं, मुझे लगा आप जगन्नाथ स्वरूप हो तो कम से कम सुधर गए होंगे हैं, और अभी भी कह रहे हैं कटहल चुरा रहे, कह रहे नहीं। तो जगन्नाथ जी ने कहा भैया मैं कुछ नहीं सुन रहा, चलो जल्दी चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा चलो भैया, चले गए।
अब बाद में पहुंचे तो जगन्नाथ जी ने बोला भैया मुझे कंधे में उठाओ और दीवार पार कराओ। उन्होंने कहा भैया मैं बूढ़ा आदमी क्या करूँ, जगन्नाथ जी उठाओ जल्दी। और जगन्नाथ जी को उठाया कंधे पे, दीवार पार करी, और रघुदास जी थोड़े बूढ़े हो गए थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने जैसे तैसे दीवार लांग ली, पहुँच गए बाग के अंदर। अब रघुदास बोलने, जगन्नाथ जी बोलने लगे, हे रघुदास ये पेड़ अच्छा है और वो रहा सबसे बड़ा कटहल, एक काम करो पेड़ पर चढ़ जाओ। अरे प्रभु मैं कैसे पेड़ पर चढ़ जाऊँ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। अरे नहीं तुम्हें चढ़ना पड़ेगा, तुम ऊपर चढ़ो और कटहल को नीचे फेंक देना और मैं कैच कर लूँगा, तुम कैच नहीं कर पाओगे, तो चढ़ो। अब जैसे तैसे रघुदास भगवान कह रहे भैया मानना पड़ेगा, और पेड़ पर चढ़ गए और बहुत अंतरात का समय था, बहुत ऊँचे पर चढ़ गए और उन्होंने वो कटहल तोड़ा और बोला कि प्रभु आप कहाँ हो, जगन्नाथ जी आप कहाँ हो। उन्होंने कहा मैं नीचे खड़ा हूँ। तो कह रहे फेंक दो नीचे, फेंक दो कटहल। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कटहल तोड़ा और नीचे फेंक दिया। लेकिन भगवान थोड़ा तेज निकले हैं, भगवान क्या करेगा, उन्होंने भक्त से बड़ा मजाक करने का मूड में थे, वो वहाँ से भाग गए और वहाँ से भाग गए और कटहल नीचे गिरा धम की आवाज़ से, और जो सिपाही थे जाग गए कि भैया क्या हो गया, जगन्नाथ जी तो भाग गए दीवार बांध के, वो मंदिर में वापस भाग गए और वो जो भक्त था वो पेड़ में टंगा रह गया। अब सिपाही आए तो देखा भैया क्या हुआ क्या हुआ, देखा तो इतना बड़ा कटहल नीचे गिरा पड़ा है, अबे गिरा कैसे, देखा तो ऊपर वो भक्त लटका पड़ा रघुदास है, वो गए राजा के पास। राजा के पास गए, अरे भगवान राजन राजन ये आपको एक बात बतानी है लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि रघुदास को तो सब जानते थे, तो जगन्नाथ जी के भक्त हैं। कह रहे जो रघुदास है ना वो हमारे बाग में ना कटहल चोरी करने आया हुआ है। राजा को यकीन नहीं आया, राजा ने कहा चलो, राजा भी उनके साथ आ गया, देखा तो वो पेड़ में टंगे पड़े, तो उन्हें नीचे उतरवाया जैसे तैसे, पूछा क्या उनसे क्या हुआ, तो उन्होंने बताया भी ऐसी सी बात है, जगन्नाथ जी आए थे, उन्होंने बोला कि चोरी करने चलो, अब खुद तो चोरी करके मुझे फंसा गए। और राजा भी हंसने लगा और सारे सिपाही भी हंसने लगे, तो पूरे जगन्नाथपुरी में ये बात फैल गई और सब लोग बड़ा हंसने लगे कि जगन्नाथ जी देखो कैसे कटहल भी चोरी करते हैं, भक्तों के साथ कैसी कैसी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। तो देखिए बस मैं ये बोल के अपनी वाणी को शांत देता हूँ। मन शांत जय जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। जगन्नाथ जी बड़े दयालु, बड़े कृपालु जगन्नाथ जी, कभी भी किस रूप में उनको पुकारना ठाकुर जी, उसी समय में ठाकुर जी जवाब देते हैं और पुकार सुनते हैं। जगन्नाथपुरी कौन गए हो आप देखना, जगन्नाथ मंदिर में जो आप प्रवेश करोगे ठीक सीधा हाथ में श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करेगा, अंदर में तो है ही है, लेकिन जो लोग अंदर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं वो लोग वो ठाकुर का दर्शन करते हैं, उनका नाम पतित पावन है। बोले ये कैसे हो गया, बोले पहले मुसलमान का जब राजत्व होता था, अगर किसी सुंदर लड़की को मुसलमान देख ले राजा वा कोई देखे वो जोर जबरदस्ती अपना उसको ले लेते थे। अब ब्राह्मण घर के जो लड़कियाँ गोरी देखने में बड़ी सुंदर होती थी, राजा ने क्या किया जब देखा बड़ी सुंदर ही है, उसने जोर जबरदस्त उसका अपना पटरानी बना दिया, था उनका राजत्व है। जब पटरानी बना दिया, अभी ये मुसलमान राजा की औरत से एक बेटा हुआ, जब बेटा हुआ लेकिन माँ हिंदू और पिता मुसलमान, अभी माँ जो हिंदू परिवार से आई उसको तो संस्कार हिंदू का ही संस्कार है, इसलिए बच्चे को बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाती थी, बोले देख बेटा मैं हिंदू घर के ब्राह्मण घर के, लेकिन ये राजा जोर जबरदस्त मेरे को अपना पटना नहीं बनाया, लेकिन हमारे जो ठाकुर है ना ये जगन्नाथ जी हमारे ठाकुर, इसलिए बेटा हर समय जगन्नाथ जी को स्मरण करना, उनकी पूजा करना, उनकी कथा सुनना, रोज रोज जगन्नाथ जी की बड़ी सुंदर सुंदर और कथा सुनाया करते थे, प्यारी प्यारी कथा। अब देखना सबसे पहले जो संस्कार है ना वो माँ की संस्कार सबसे पहले बच्चे को ऊपर पड़ता है, उसको बाद में पिताजी का संस्कार पड़ता है, क्योंकि अक्सर के बच्चा जन्म होते किसकी गोद में ज़्यादा रहता है, वो माँ की गोद में, इसलिए जो पहला गुरु वो माँ है और जो दूसरा गुरु वो पिता है। अभी माँ जो करेगा बच्चा उसे करेगा। अब देखना
अगर माँ अगर माला लेकर के हरिनाम करती होगी ना, बच्चा देखते रहेगा मैया क्या कर रही है। अब स्वभाव के रूप में देखना, ये मैया क्या कर रही है, हरिनाम कर देना, जोर जबरदस्त माला तुम्हारे हाथ से छीनेगा, छीन करके माला लेकर के वही बैठ जाएगा। अगर मैया बैठ करके आँख बंद करके बैठ जाए भजन करे ना, देखना बच्चा भी पास में बैठ करके आँख बंद करके वो भी ध्यान करने लग जाए, क्योंकि पहला संस्कार माँ की पड़ती है, हैं? अभी उसने भगवान की कथा सुनाते सुनाते, उनकी जगन्नाथ जी की कथा सुनाते 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 उसकी रोम रोम में ही जगन्नाथ जी बैठे। जब उसने थोड़ा होनहार हो गया, बड़ा हो गया, बचपन से माँ से कथा सुन रही थी, कथा सुन रही थी। इसलिए नियम क्या है, नियम है अपना बच्चों को माँ का कर्तव्य है बचपन से बच्चों को भगवान की कथा सुनाओ, बचपन में बच्चे को ठाकुर की कथा सुनाओ। अब देखना बच्चों को कोई स्टोरी सुनाओ ना, बच्चे बड़े खुश होते कि नहीं, कोई बच्चे को स्टोरी सुनाओ बच्चे खुश हो जाते हैं स्टोरी सुनने के लिए। इसलिए मैया जसोदा भी, आप भागवत पढ़ कर देखो, मैया जसोदा भी बचपन में कृष्ण को थपथप लगा कर सुला रही, बोले लाला कृष्ण कहते हों, बोले दशरथ नाम के एक राजा थे, बोले हों, बोले उनको तीन पत्नियां थी, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, बोले हों, बोले घर में तो सब सुख था लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं था, बोले हों, बोले उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया, चौरु निकला तो तीनों रानी को बटवा करके खिलाए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार बच्चे हो गए, बोले हों। देखना ये पूरी कथा थी पुराण में, कैसे मैया जसोदा कृष्ण को राम की कथा सुनाई करती थी, सुंदर सुंदर स्टोरी सुनाती थी। और देखना इसी स्टोरी सुनाते 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 बच्चों को क्या हो जाता है, सब कथा सुनते 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 और उसको माँ के संस्कार पड़ जाते हैं। फिर माँ भजन करती है बच्चे को स्वाभाविक रूप में भजन में, जैसे तुम लोग जैसे हो बचपन में हृदय में कौन बैठे, भगवान बैठे। क्यों? घर में मैया घर से उठ करके सबसे पहले स्नान करके आरती करती थी, तिलक लगाती थी, ठाकुर जी को भोग लगाती थी, बच्चे लोग को देख देख कर अपने आप सीख जाते हैं, उसको सिखाने का जरूरत नहीं, अपने आप बच्चे सबके सब सीख जाते हैं। इसलिए जो पहला संस्कार है ना वो माँ से पड़ता है। इसलिए कहते ना प्रात उठ ही रघुनाथा हर मात पितु गुरु न मई माथा, भगवान सवेरे उठ करके किसके पिता चरण छूते थे, माता पिता को चरण छूते थे। अब रामायण देखे होंगे जब दशरथ महाराज शयन करते हैं भगवान राम स्वयं चरण स्पर्श करते हैं। अभी जब ये सब चीज को जब को बच्चे तो को देखे ना, फिर उनको क्या सीखा मिलता है, भैया हमें भी सवेरे उठ करके हमें भी सबसे पहले पिता माता की चरण हमें छूनी चाहिए। और जब पिताजी जब शयन करे किया हमारे कर्तव्य, हमें भी पिताजी की चरण की हमें सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही बच्चों के अंदर में ऐसे ही संस्कार पड़ती हैं। अभी उन्होंने बचपन से जगन्नाथ की कथा सुनते 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 और उसको रोम रोम में एकदम भगवान बैठे गए, जगन्नाथ जी बैठे गए। जब बड़े हुए ना, बोले भैया मैं जगन्नाथ को दर्शन करने जाऊँ, बोले जाओ बेटा, देखो कथा सुनने का क्या महत्व है, कथा सुनना जगन्नाथ जी के बड़े होते क्या, बोले मैं अपना ठाकुर को दर्शन करने जाऊंगा, बोले ठीक है बेटा जाओ जगन्नाथ दर्शन करके आओ। लेकिन राजा का बेटा, साधारण बेटा नहीं, अगर कोई साधारण व्यक्ति आए कोई किसको पहचान नहीं तो जगन्नाथपुरी में नियम है मुसलमान का प्रवेश नहीं है, क्रिश्चियन का प्रवेश नहीं है, हैं? और जो शूद्र जाति के हैं जो चंडाल है उनका भी प्रवेश नहीं जगन्नाथ मंदिर में, केवल हिंदुओं का ही प्रवेश है, हैं? जो हिंदुओं का जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनका ही जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश, और किसका प्रवेश नहीं, और कोई घुस नहीं सकते वहाँ पर, हैं? अभी एक राजा का बेटा, लेकिन राजा का बेटा तो किसकी औरत से जन्म हुआ, मुसलमान की औरत से। जब उसने जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए कोशिश किया, पंडवल में नहीं प्रवेश तुम्हें करने नहीं देंगे, उनको घुसने नहीं दिया। लेकिन वो बचपन से कथा सुनते 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 रोम रोम में बैठी गए थे भगवान जगन्नाथ जी। लेकिन भगवान भक्त वत्सल है, भगवान तो जात पात तो भगवान देखते नहीं, जात पात कुछ ना कोई हरि का भजा सो हरि का, भगवान थोड़ी जात पात देखते हो तो भक्ति देखते हैं। उसने क्या कि जगन्नाथ जब घुसने नहीं दिया, जगन्नाथ जी के मंदिर को सामने बैठ गया, बैठ करके उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी उसकी, जब वो इधर घूमता है ना अपना मुंह को, पूरा जगन्नाथ मंदिर घूम करके उधर आ जाता है। फिर जब पीछे वो घूमता है बैठता है, पूरा जगन्नाथ मंदिर पीछे आ जाता है।
जब उधर घूमता है पूरा जगन्नाथ मंदिर ही घूम जाती है पूरा पूरा। क्यों? भगवान भक्ति के बसे होते ठाकुर जी, इसलिए जात पात कुछ ना कहे ठाकुर जी, जात पात नहीं देखते हैं ठाकुर, तो तुम्हारी भक्ति और ठाकुर तो तुम्हारी प्रेम को देखते हैं। फिर उन्होंने बैठ करके जगन्नाथ के भजन किया, भजन उन्होंने बोला हमारे उड़ीसा भाषा में, आहे नीला शैल प्रबल मत वारण मारत नलिन बन कुकल दलन, मतलब ये बड़ी सुंदर भजन है। बोले प्रभु जब द्रौपदी को ऊपर में विपत्ति पड़ के आप ही तो वस्त्र दिए थे, जब गजराज ने आपको पुकारा उसी समय आप ही तो चक्र भेज करके आपका नाश किया था ना, जितने जितने भगवान की कथा ऐसे जगन्नाथ जी को पुकारा। बोले प्रभु मैं भी तुम्हें पुकार रहा, इसलिए मेरे को तुम अगर सचमुच से भक्त वत्सल हो मुझे भी दर्शन दो, ऐसे पुकारा ना जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ दो, जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ दिए। आप गेट से खड़े होकर जगन्नाथ को दर्शन नहीं कर सकते हो, जैसे पहले जगन्नाथ जी ऐसे जाओगे, ऐसे जा करके फिर ऐसे जाना पड़ेगा आपको, फिर ऐसे जाकर फिर ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाकर जब ऐसे जाओगे फिर जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन होगे। अब मेन रोड से आप जगन्नाथ का दर्शन आपको नहीं हो सकता है, चार बार आपको घूमना पड़ेगा तभी जा करके जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। लेकिन ऐसे उन्होंने भजन किया, जगन्नाथ जी मंदिर छोड़कर बाहर निकल कर आ, बाहर निकल कर आ गए और उनको दर्शन दिया है। इसलिए वो जो बाहर जो आए उनका नाम है पतित पावन, मतलब जो पतित व्यक्ति है उनको अगर कोई पावन कोई पवित्र करने वाले कौन है, श्री जगन्नाथ जी है, बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। इसलिए अभी भी वहाँ पर नियम है, जो व्यक्ति अंदर में जा नहीं पाते हैं वो लोग वहीं से ही जगन्नाथ जी को वहीं से, जैसे अंग्रेज लोग उनको घुसने नहीं देते, बाहर से कोई भी विदेश से व्यक्ति आएगा उसको घुसने नहीं दिया करेंगे, लेकिन लोग वो लोग वहीं खड़े होकर के पतित पावन को जगन्नाथ जी पतित पावन रूप में दर्शन देते हैं। इसलिए वहाँ पर और एक व्यक्ति था, वो बहुत छोटे जाति की बावरी, उड़ीसा में बावरी, बावरी मतलब जो चंडाल होते हैं ना, है जो कुत्ते का मांस खाने वाले, लेकिन होने पर भी लेकिन जन्म तो लिया बहुत छोटे जाति में, लेकिन जगन्नाथ की परम भक्त है, बहुत बड़े भक्त था, उनका नाम था दासिया बावरी। अभी एक सेठ अपना बैलगाड़ी में लद करके बहुत सारे मालपुआ राबड़ी रसमलाई गुलाब जामुन वे बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया उन्होंने लेकर के जगन्नाथ की सेवा के लिए जा रहा था। जब बड़े दूर से जगन्नाथ जी की सेवा के लिए लाते सकट गाड़ी में लद कर ला रहा था, इतने में ये जो कि दासिया बावरी, मतलब इसका नाम था दासिया लेकिन वो बावरी मतलब बहुत छोटे जाते जो चंडाल जाते, उसने कहा भैया मैं एक नारियल देता हूँ, अब जगन्नाथ जी को दे देना, बोलना ये दासिया बावरी ने ये नारियल दिया और जगन्नाथ जी ले लेंगे। हम इतना सारे भोग ले जा रहा हूँ, रसमलाई राबड़ी मालपुआ क्या क्या ले जा रहा हूँ, जगन्नाथ जी कोई नहीं लेगा, और ये कहता है कि नारियल दे रहा है, बोले जगन्नाथ जी को बोल देना जगन्नाथ जी ले जाएंगे। बोले आप मेरा क्या, बोले नाम बोल देना और जगन्नाथ जी को देना, जगन्नाथ जी जरूर स्वीकार करेंगे। तब उन्होंने लेकर के बहुत सारे उन्होंने ठाकुर जी को खूब रसमलाई राबड़ी केक खूब जगन्नाथ जी को भोग लगाए, भोग लगाकर जब वापस जब आने चाह रहा था याद आया रे उसने तो एक नारियल मेरे को दिया जगन्नाथ जी को उसको नाम बोल कर देने के लिए, तो उन्होंने वो नारियल लेकर हे जगन्नाथ महाप्रभु ये दासिया बावरी ने ये नारियल दिया, इतना बोलते उसका हाथ से नारियल गायब, नारियल गायब, कहाँ उड़कर चला गया नारियल। बोले जगन्नाथ जी नारियल ले लिया, तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बोले हम इतने सारे सामान ले करके आए थे और जगन्नाथ एक भी, जगन्नाथ जी भी दृष्टि से बहुत लगा देते हैं लेकिन कुछ तो नहीं, और इसका नारियल को ले लिया, है पूरा पूरा के पूरा उड़ीसा में प्रसिद्ध हो गया दासिया बावरी का जो नारियल है जगन्नाथ जी बोलते ही ले गए हैं, क्योंकि कितना दुर्योधन की मैं बात आगे साग विदुर घर खाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इसलिए झूठ बैर सबरी के खाए बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान के बोले प्रेम के भूखे। इसलिए जगन्नाथ जी बड़े दयालु थे, उनको हृदय से उनको पुकार, हृदय से उनको पुकार जगन्नाथ जी आवाज देते हैं, और अगर कोई जगत में सबसे जल्दी से जल्दी अगर तुम्हारी कोई प्रार्थना को सुनेंगे ना ये जगन्नाथ जी, ये प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष देवता है, इनका आँख वो देखो कितने बड़े बड़े आँख है,
हैं, कितने बड़े बड़े आँख है, एकदम आँख कभी जगन्नाथ जी बंद नहीं करते, हर समय जगन्नाथ जी देखते रहते हो, अगर वो आँख बंद कर दिए तो दुनिया खत्म। बोले जिस समय जगन्नाथ जी कहते हैं आँख का पलव क्यों नहीं जप रही, बोले ये जब तक आँख खुले रहेंगे ना, ये जब तक दुनिया रहेगा, जब ये आँख को बंद कर देंगे ठाकुर जी दुनिया खत्म हो जाएगी, जिस दिन ये आँख को बंद कर देंगे हैं। इसलिए जगन्नाथ जी के राधा जी के प्रेम में द्रवीभूत होकर के ये जगन्नाथ जी ये रूप धारण किया है हैं जगन्नाथ जी। इसलिए जगन्नाथ जी बड़े दयालु बड़े कृपालु है। इसलिए देखना संपूर्ण विश्व में संपूर्ण पृथ्वी में अभी देखोगे जगन्नाथ जी का मंदिर, विदेश में भी जाओगे वहाँ भी देखोगे जगन्नाथ जी की मंदिर, ऐसे कोई राष्ट्र नहीं देश नहीं जहाँ पर ये जगन्नाथ जी की सेवा पूजा जगन्नाथ जी की नहीं होता है। आपका बड़ो तो मैं बड़े बड़े यात्रा देखे होंगे, होता ही नहीं कि होता कि नहीं बड़े बड़े यात्रा है यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़े यात्रा में कितने सबसे ज़्यादा भक्त किसकी यात्रा में रहते, ज़्यादा आनंद रहता है ये जगन्नाथ जी। देखा ना जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा होता है पूरा बड़ो तो कहाँ उठता है, इनकी यात्रा देख कर कीर्तन देख करके इनके नाच भक्तों को देख करके ए सबके सब मेन रोड में जय जगन्नाथ महाप्रभु की ला किया इनका नाम लेते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु श्री जगन्नाथ प्रभु जी। हाँ ठीक है, और 5 मिनट सुन लेते हैं। हरे कृष्णा। हाँ कहते आज जो हम लोग श्रवण करेंगे, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी 2 शादी हुई है, एक विष्णु प्रिया है और एक लक्ष्मी प्रिया है। महाप्रभु जब उन्होंने गया यात्रा के लिए महाप्रभु गए, अपना पिताजी की पिंड प्रदान करने के लिए महाप्रभु जब उन्होंने गया में गए, इतने में उनकी जो पहली पत्नी थी महाप्रभु जब बिछड़ गए महाप्रभु से, तब उनका विरह में उसने विष्णु प्रिया ने लक्ष्मी प्रिया ने अपना प्राण त्याग कर दिया है। फिर महाप्रभु ने दूसरा बार महाप्रभु ने 2 बार चैतन्य महाप्रभु ने शादी किया महाप्रभु ने। इसलिए महाप्रभु गृहस्थ 26 साल तक घर में रहे, कुल उन्होंने 48 साल जगत में रहे, 26 साल घर में और 26 साल उन्होंने संन्यास लिए। इसलिए 26 साल जो व्यक्ति घर में रह करके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और घर में भक्ति करते हुए जो भगवान को पाना चाहते हैं, ठाकुर जी स्वयं गृहस्थ लीला में रह करके शिक्षा दिया, गृहस्थ लीला में तुम कैसे घर में रह करके भगवान की भक्ति कर सकते हो। हम लोग ने श्रवण किया है, इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते हैं, गृहस्थ हैया अतिथि सेवा नहीं करे, पशु पक्षी है तो अधम बलिता है। इसलिए जो गृहस्थ है कहते ये 3 वर्णों को हैं, ये 3 वर्णों को ये पालना करता है, कौन है गृहस्थ, बोले किसको पालना करता है, बोले ब्रह्मचर्य जीवन को, 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये 4 आश्रम है। इसलिए कहीं कहीं पर गृहस्थ को बहुत बड़ा आश्रम बताया, क्योंकि जो गृहस्थ 3 वर्णों का आश्रम उनको पालना करता है, जैसे ब्रह्मचारी जैसे हमारा मंत्री ब्रह्मचारी, उनको कौन पालना करता है, आप लोग पालना करते हैं गृहस्थ। जब घर में भिक्षा के लिए जाते हैं आप ही लोग तो भिक्षा देते हो, तब ठाकुर को सेवा चलता है गृहस्थ। लेकिन उसके बाद में फिर वानप्रस्थ 50 साल के बाद में जो वानप्रस्थ रूप में जब कोई वन में जाकर भजन करता है उनको कौन पालन करता है गृहस्थ। फिर जब सन्यासी ग्रहण करते हैं फिर उनको कौन पालन करते हैं गृहस्थ। इसलिए ये 3 वर्णों को ये गृहस्थ लोग 3 वर्णों को पालन करते हैं। इसलिए कहीं कहीं पर बताया गया ये गृहस्थ धर्म बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन गृहस्थ सचमुच से गृहस्थ होनी चाहिए। इसलिए नियम है जितना हम कमाई करते हैं 1/4 अंश उसको भगवत सेवा में साधु सेवा में देनी चाहिए हैं, उनको सेवा में देनी चाहिए, ये नियम है। तभी ये पैसा की तभी ये पवित्र, नहीं तो ये पैसा पवित्र नहीं होता है। पर लक्ष्मी ने तो घर में आकर के पर दुख कष्ट देना शुरू कर देती है, पर घर में शांति सुख में रहने ये लक्ष्मी रहने नहीं देती हैं। इसलिए महाप्रभु जब घर में गृहस्थ लीला में थे, महाप्रभु क्या करते थे 15-20 संन्यास को निमंत्रण दे देते थे, बोले आज घर में आपके लिए प्रसाद है, और मैया को बोल देते थे मैया आज घर में 15-20 संन्यासी आएंगे उनके लिए प्रसाद तैयार करो। लेकिन महाप्रभु ब्राह्मण घर में जन्म, लेकिन पहले ब्राह्मण लोग कोई काम नहीं करते थे, ब्राह्मण का वृत्ति था भिक्षा वृत्ति है,
तीनों घर में जाकर के जो भिक्षा मिलेगा उसको ही ले करके अपना संसार चलाया करते थे ब्राह्मण। और ब्राह्मण कोई खेती नहीं करते थे, कोई बिजनेस नहीं करते थे पहले, और तीन वर्ण ब्राह्मण की सेवा करता था ब्राह्मण को। लेकिन ये घोर कलयुग आने का नाते धीरे 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 ब्राह्मण अपना ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिए हैं। छोड़ने का नाते इनके अंदर में शक्ति धीरे धीरे कम हो गई, धीरे धीरे शक्ति ब्राह्मण का धर्म को पालन ठीक से नहीं कर पाए कलयुग में। इसलिए ये ब्राह्मण घर में अभी बोल दिया 15-20 सन्यासी का, बगैर पैसा से उनको कहाँ से खाना खिलाएंगे, उनको निमंत्रण देने के लिए आए। बोले माँ घर में रसोई बनाना, ठाकुर को भोग लगाना, सन्यासी 15-20 सन्यासी आएंगे। मैया तो चिंता में पड़ जाती है, कहाँ से लाऊंगी, घर में तो कुछ है ही नहीं, ब्राह्मण घर है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है ना, महाप्रभु जाते हैं बस सोने की एक मोहर ले जाते। बोले मैया ले, चिंता क्यों करती हो, ले ठाकुर दिया ले, ये सोने की मोहर ले ले और उसको तोड़ करके दाल चावल सब्जी ले आ और प्रसाद बनाओ। मैया तो चिंता में पड़ जाती, बोले मेरे घर में तो सोने की मोहर था ही नहीं, ये कहाँ से जा करके ले आया इसने, फिर कहाँ से ले आए। फिर मैया तो बड़ी सीधी जाती, फिर गांव में घर घर में जा करके पूछती है, बोले ये क्या तुम्हारी है, सब घर में क्या तुम्हारी है, ये क्या तुम्हारी घर से, मतलब घर में था नहीं, लाया कहाँ से इतनी माई। लेकिन उनको पता नहीं ये भगवान है, जब कोई बोलते नहीं हमारी नहीं, फिर मैया जा करके दुकान से, फिर उसको पैसा से उन्हें क्या कर दाल चावल सब्जी तेल घी नमक सब ले आती है। और घर में कौन है, विष्णु प्रिया है, हैं महाप्रभु की शक्ति, वो तो सख्यात माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी वो एकदम चुटकी बजाते ही तरह तरह का उन्होंने दाल भात सब्जी हैं साग और कितने तरह तरह का अन्न व्यंजन को तैयार कर देती हैं। महाप्रभु भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, भोग लगा करके सब संन्यास लोग आते हैं, महाप्रभु अपना हाथों से सबको उन्होंने प्रसाद खिलाते हैं, हैं? कहते भैया जिसको साक्षात लक्ष्मी ने रसोई बनाई, साक्षात चैतन्य महाप्रभु भोग लगा कर महाप्रभु खिला रहे, कहते सब साधु संन्यासी कौन है। बोले ये कोई साधु संन्यासी साधारण नहीं, ये स्वयं नारद जी वशिष्ठ पराशर सुखदेव प्रहलाद बड़े बड़े साधु सबके सब सन्यासी रूप में आते हैं। हमारी अहोभाग्य है जिसको साक्षात लक्ष्मी माँ ने बनाई है, जिसको लक्ष्मी माँ ने बनाई, जिसमें ठाकुर हमको खिला रहे। इसलिए महाप्रभु गृहस्थ रूप में रहते हुए वहाँ पर शिक्षा देते हैं, साधु गुरु वैष्णव का हमें सेवा करनी चाहिए। और घर में रहते हुए महाप्रभु निष्ठा नियम पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। इसलिए शिक्षा देते घर गृहस्थ उसे कहते हैं जो घर में रहते हुए भगवान की भजन साधन करे, ऐसे नहीं पैसा कमाए खाए भी और जीवन को बिता दिया, नहीं। सवेरे उठ करके नहा धो करके तुलसी में पानी दो, तुलसी सेवा करो, तुलसी परिक्रमा करो, ठाकुर का आरती उतारो, जो कुछ काम करो भगवान की सेवा के लिए पैसा कमाओ, घर में जो रसोई बनता है ठाकुर जी को भोग लगाओ हैं, और घर में गीता भागवत रामायण घर में पढ़ो, भगवान की भक्ति करते हुए जो घर में रहते हैं, कहते वो घर नहीं वही वृंदावन धाम, वही भगवान का धाम है। इसलिए महाप्रभु गृहस्थ में उन्होंने 24 साल तक उन्होंने रह करके गृहस्थों को उन्होंने गृहस्थ शिक्षा दिया। फिर जब वो संन्यास लेकर के जाते हैं, फिर ये संन्यासियों का जीवन कैसे होनी चाहिए, फिर महाप्रभु कठोर रूप में कठोर वैराग्य पूर्वक जो पूरी गए देखे होंगे, महाप्रभु जहाँ रहते थे उसका नाम था क्या था, गंभीरा। कितने बड़े महाप्रभु लंबे चौड़े, मानो महाप्रभु उस समय खड़े होंगे ना वहाँ से छत तक होंगे, इतने लंबाई चौड़ाई उस समय, अरे 5.5 साल पहले हैं। उस समय लोग ब्रह्मचर्य पालन करते थे, आपको पिताजी को देखा आपसे लंबे होंगे, तुम्हारे पिताजी के पिताजी का और लंबे, उनको धीरे धीरे। लेकिन ये कलयुग होने का नाते हर चीज़ हाइब्रिड देकर बनता है, आपको बाजार से कोई चीज़ प्योर आपको नहीं मिल रही है, प्योर कोई चीज़ नहीं मिलती है। आम में भी कार्बाइड देकर उसको भी पकाते, वो भी शरीर के लिए हानिकारक है। कोई भी चीज़ जैसे साग सब्जी बनती है उसमें हाइब्रिड दे करके और उत्पैजन को दे करके सबके सब बन रही है। लेकिन पहले ये सब चीज़ नहीं होती थी, पहले क्या होता गैया की गोबर की खाद से ही सब चीज बनती थी। इसलिए अभी हर जो खेती करते हैं ना, हर साल खेती धीरे धीरे घटते घटते जा रहे हैं। मैं जगन्नाथपुरी गया था, मेरे गांव से कोई आए थे, बोले पहले जो खेती में फसल होता था अभी नहीं होता, क्योंकि उसमें जो जहर देते हैं, खेत में जो जहर देते हैं तो ना माटी को नीचे कीड़ा रहता है,
जो माटी को उर्वर बनाता है उसमें खत्म हो जाता है। और एक साथ में तो बहुत दे दिया, लेकिन दूसरे साल क्या है, खत्म। पहले हर घर घर में गैया होता था, मैंने अपना गांव में देखा है, हर घर घर में गैया जरूर होगा ही। अगर कोई गैया पालन नहीं करेगा ना, बोले तो गैया नहीं रखते, बोले तो तेरे घर में गैया नहीं, बोले उसको बहुत बुरी मानी जाती थी। घर घर में गैया जरूर होगा। घर में घुसते ही सबसे पहले हमारे गांव में, घर में घुसते ही हर घर में ही गैया है। हमारे घर में तो 15-20 गैया हमारे घर में थे, हैं। हम भी बचपन में गैया चराए, खेती में जाकर हमने भी गैया चराई है, इसलिए हर घर में। और गैया की गोबर ही यूज होता था, गैया की गोबर यूज होता था, और उसमें सब चीज गैया के गोबर से, इसलिए। लेकिन अभी क्या हो गया, घर में घुसते ही कुत्ता, लेकिन पहले घर में घुसते पहले गैया की गोबर है, और गैया सेवा से लक्ष्मी बढ़ती है, हैं। और गैया की सब सेवा करते थे, और गैया की मेरी याद है, जहाँ पर हम सोते थे ना, जहाँ पर गैया बंधे रहते थे, वो गौशाला में ही हम सोते थे, इसलिए सोने पर गैया की जो गोबर का जो खुशबू से कोई बीमारी नहीं होता था, कोई बीमारी नहीं होती थी। गैया की गोबर में इतने मेडिसिन, हमारे मंदिर के बाबा को स्वास्थ्य का बीमारी हो गया था, हमारे दुर्भाषा मंदिर में गौशाला है, वो बाबा की किसी तरह से स्वास्थ्य बीमारी सही नहीं हुआ, लेकिन जो उसने गैया की सेवा की अपने आप सही हो गया, क्योंकि गोबर का जो खुशबू आती है ना, गोबर की जो उसका जो सुगंध है, उसमें बहुत सारे मेडिसिन हैं। ये जो कोरोना है ना, अगर रोज रोज कोई गोमूत्र पिएगा तो कभी कोरोना नहीं होगा। आप पी कर देखो, कभी कोरोना तुम्हें आएगी नहीं, कभी कोरोना। बहुत सारी बीमारी गोमूत्र से, ऐसे कोई बीमारी नहीं गोमूत्र से सही नहीं होता है, हैं। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थ धर्म में रहते संन्यास धर्म को जाजन करते हुए, संन्यासी कैसे अपना जीवन को बिताए और कैसे साधन भजन करे, महाप्रभु एक छोटी सी घर में रह करके और 24 घंटा राधा रानी कैसे कृष्ण विरह में तड़पड़ाया करती थी, कृष्ण की कैसे चिंता करती थी, और 24 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए महाप्रभु 24 साल उन्होंने ऐसे भजन किया है। अभी महाप्रभु का जो शादी, दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी के बाद में यहाँ पर जो कथा आती है, वो आती है श्री हरिदास ठाकुर जी का चरित्र आता है। कहते जो हरिदास ठाकुर का जो चरित्र है, ये अनमोल चरित्र है, हैं। इसलिए इनका नाम ही हरिदास, हरि का दास है। इसलिए शास्त्र कहता है, दास है न नामानी अल्प भाग्य बने, अल्प भाग्य दास ना ही करे भगवान। भगवान को जो दास है ना, हम इस जगत में दास शब्द सुनते नफरत करते हैं, नौकर। दास मतलब नौकर है ना, नौकर तुम हो। लेकिन भक्ति जगत में भगवान का, जितने भगवान जो बड़ा दास है ना, उसका ऊंचा पद बताओ। हनुमान जी राम का क्या लगते हैं, बोलो, दास ही है ना। कितना बड़ा पोस्ट है हनुमान की, साधारण पोस्ट है। राम दरबार में हनुमान जी कहाँ बैठते हैं, राम के चरणों पर नीचे बैठते हैं, दिन रात क्या करते हैं, राम की सेवा करते हैं। इसलिए बोले रमा ब्रह्म संभा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवति। जगन्नाथ जी के अष्टक में बताया, जगन्नाथ जी के चरण को कौन सेवा करते, बोले शंभो स्वयं शंकर जी, भगवान के सेवक। शंकर तो हनुमान है ना, भगवान के सेवक है कहते हैं। शंभु मतलब ब्रह्मा जी, और कौन है, कहते ब्रह्मा जी क्या करते भगवान की सेवा, नारद। लक्ष्मी क्या करती है, दिन भर जगन्नाथ जी के चरण को लेकर के दिन भर बैठी हुई चरण की सेवा कर रही है। गणेश क्या करती हैं, भगवान के चरण जिनके सर पर रखा हुआ है। इसलिए विश्व ब्रह्मांड, कहते जो दास जो शब्द है उसको साधारण मत समझो। आगे है मुक्ति, तापर है सर्वबंधनाश। पहले मुक्ति मिलेगी, उसके बाद में सारे बंधन खत्म होगा, उसको बाद में कोई भगवान का दास बन सकते हैं। साधारण भाग्य से भगवान किसको अपना सेवक रूप में, दास रूप में कोई ग्रहण नहीं करते। इसलिए इनका नाम हरि दास, हरि का ये दास है। अभी हरि का अगर कोई दास बनना चाहते हैं,
उनका जीवन चरित्र कैसे होनी चाहिए उन्होंने आदर्श रूप में दिखाया है। जो हम सुनते ना त्रिनादपि सुनि चेना तरोरपि सही सुना अमानी नांग मान देना कीर्तनीय सदा। अगर भगवान के दास बनना चाहते हो कहते तुम्हारी पहले तुम्हारे अंदर में चार गुण आ जाए फिर प्रभु का दास बन सकते हो, नहीं तो दास नहीं बन सकते हो। बोले चार गुण की आनी चाहिए, बोले पहला गुण अच्छे तरह से सुन लो, क्या चार गुण आने से हम भगवान का दास बन सकते हैं? पहले है घास से भी ज़्यादा दीन है, जैसे घास तो पूरा प्यार रखो ना, घास का सर नीचा हो जाता है लेकिन प्यार होता फिर उसको फेर दो। बोले नहीं, घास से भी ज़्यादा दीनहीन बनो और पेड़ से भी ज़्यादा सहन शक्ति होनी चाहिए। जैसे रास्ता में चल रहे हो, चलते चलते आम का पेड़ में आम उठाया पत्थर और मारे पेड़ को, आपने तो पेड़ को मारा लेकिन पेड़ ने क्या दिया तुमको? फल दे दिया, फल दे दिया ना, पेड़ तुमको फल दे दिया। रास्ता में चल रहे जेठ की महीना बड़ी धूप है, पेड़ को नीचे छाया, बोले छाया में बैठते ही धूल है, अब पेड़ पेड़ का टहनिया को तोड़ कर नीचे बिछा दिया बैठ गया, लेकिन पेड़ में पेड़ ने घुसा किया, तुमने मेरे टहनिया क्यों तोड़ दिया घुसा किया? बोले नहीं तेरे को मैं छाया नहीं दूंगा, बोलता है छाया दे देता है। अब देखना पेड़ का पत्ते से रसोई बनता है, हम जब गांव में थे हम तो गांव के रहे ना इसलिए पेड़ के पत्ते से ही रसोई बनती थी, पेड़ का लकड़ी से ही रसोई बनती थी, कितने उपकार करता है देखो। ये किसमें बनी है? पेड़ है ना, दरवाजा किससे बनी? पेड़। इसका पूरा की पूरा छिलका तना फल फूल ना सब दूसरे की सेवा कर लिए, इसलिए कहते पेड़ से भी ज़्यादा दीन ही नहीं बनो और सबको सम्मान दो, क्योंकि जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, चूंकि सबका हृदय में भगवान बैठे हैं। कौन बैठे हैं? सबके दिल में ठाकुर जी बैठे हैं, इसलिए इसी बुद्धि से सबको सम्मान दो, सबको प्रणाम कर सम्मान दो और कभी खुद सम्मान का भूखा मत बनो। कहते अगर ये चार गुण आ गया है ना फिर हरिदास बन जाओगे। क्या बन जाओगे? हरिदास बन जाओगे, चार गुण आ गया तो। इसलिए इनका जीवन में पूरा के पूरा जो चार गुण हैं इनकी जीवन में पूरा के पूरा चार गुण देखोगे स्पष्ट रूप में दिखेगा, स्पष्ट रूप में। इसलिए इनका नाम क्या है? हरिदास ठाकुर जी। और दिन में कितने कितना हरिनाम करते थे? तीन तीन लाख हरिनाम करते थे हैं, एक लाख हरिनाम तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक लाख जोर जोर से करते थे। और एक लाख हरिनाम करते थे अपना कान तक सुनाई पड़े और दूसरा लाख मन मन में करते थे, तीन लाख हरिनाम करते थे। इसलिए कहते अगर इसी जीवन में कोई भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, इसी जीवन में हमें भगवान मिल जाए, आप तीन लाख हरिनाम करो इसी जीवन में हम भगवान मिल जाए, इसी जीवन में भगवान मिल जाएंगे इसी जीवन में। क्योंकि बताए ये दिन में तीन तीन लाख हरिनाम करते हैं, आप देखना जो सोलह माला करते होंगे ना दिन भर 16 माला भी खत्म नहीं कर पाते, अगर जो 64 माला करेगा तो आपको पता चलेगा दिन भर अगर जब करोगे 6-7 घंटा, फिर अगर 3 लाख हरिनाम करोगे ना फिर चैन नहीं पड़ेगी, सवेरे उठते से ही रात तक नहीं, रात में अगर 2-3 घंटा केवल सोओगे तभी जाकर के 3 लाख हरिनाम करेगी किसी तरह से होगा। अगर जो व्यक्ति दिन में 24 घंटा हरिनाम करेगा ना, जो व्यक्ति 12 साल अगर ऐसे हरिनाम करो तुम्हारे अंदर में बात शक्ति आ जाएगी, बात शक्ति मतलब तुम जो कुछ बोलोगे हो जाएगा, जिसको वरदान दे दोगे वही फलभूत हो जाएगा, जिसको जो बोल दोगे वही हो जाएगा। क्यों? तुमने 12 साल तक तो एक कल्प होता है 12 साल, तुमने 12 साल तक तो 3 लाख तुमने हरिनाम किया, 3 लाख हरिनाम करना मतलब खाना सोना किसी तरह से जीवन बीतेगा 24 घंटा में, जब 24 घंटा अब दिन में 1 लाख भी हरिनाम करना सोतना सोते समय भी वो ठाकुर का याद आएगा, और जो 3 लाख हरिनाम करेगा ना 24 घंटा में भगवत स्मरण व्यतीत कुछ भी नहीं आएगा। और जो व्यक्ति एक कल्प मतलब 12 साल तक हरिनाम करे उसको जीवा में बात शक्ति आ जाए, जो बोलोगे जिसको बोलोगे ये हो जा बास के हो जाए। पहले संत लोग को क्यों संतों के पास में जाते थे? बोले बाबा बोल दो हमारे बेटा का ये हो जाए, बेटी की ये हो जाए, हमारी ये हो जाए, बोलते थे ना, जानते थे बाबा भजन करते हैं। और जब कहते ना जो ना करे लकड़ी सो करे फकरी, जो भाग्य तुम्हारी जो नहीं कर सकता ये फकरी मतलब साधु, अगर कृपा हो जाए तो फकीर वो कर सकते, इसलिए बोलते थे। इसलिए कितना लाख हरिनाम करते थे? और 3-3 लाख हरिनाम करते, दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे। इसलिए हम लोग कल
कल नहीं परसों से, कल हीरा पंचमी है, कल हम जगन्नाथ जी की कथा सुनेंगे। बड़ी सुंदर कथा है जगन्नाथ जी की। लक्ष्मी कैसे जगन्नाथ जी को ढूंढने जाएंगे, वो गया तो गया कहाँ, दो दिन बोलकर पाँच दिन हो गया, अभी तक आया नहीं, वो ढूंढने कहीं जाएंगे। बड़ी सुंदर कथा है, कल हीरा पंचमी की कथा सुनेंगे, और कल भी हम कोशिश करेंगे, हम लोग प्रसाद बनाएंगे, कल कोशिश करेंगे हम लोग आप लोगों के लिए कुछ प्रसाद बनाएंगे, और कुछ जो माताएं हो ना, हो सके तो हम खुद बनाएंगे। हमारे श्रीकांत प्रभु, श्रीधाम प्रभु सब्जी बनाएंगे, और सिंगल प्रभु बोल रहे थे हम मिठाई ले आएंगे, और जो पूरी बनाने के लिए ना, आप थोड़ी माताएं आ जाना अपना घर में, यहाँ लगता है बेलना चक्की हमारी एक दो है, आप भी अपना घर से दो तीन ले आना, अगर थोड़ी जल्दी आ जाओगे ना, हम पूरी बना देंगे और सब्जी और मिठाई आपके लिए, इसलिए सब कल आना, कल जगन्नाथ विशेष विशेष। और कल जो हीरा पंचमी लक्ष्मी की तिथि है, लक्ष्मी का तिथि में जो आएगा ना, लक्ष्मी की कृपा होगी। कल का दिन हीरा पंचमी है, हैं, लक्ष्मी की दिन है, लक्ष्मी का दिन कुछ भी करोगे घर में खूब लक्ष्मी आएगी, माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी, इसलिए कल सबके सब आना लक्ष्मी को, और कल हीरा पंचमी मनाएंगे, ठीक है। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सब बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम hari hari go krishna jag mein raaje ke baat jo mein bol jaane gali mein bol jaane gali mein bol gunj gali mein bol bar saari mein bol chaki प्रज्ञान के स्वरूप गोस्वामी महाराज भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद विजय
सब परिकर गौर हर की जय अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंद दे हरि हाँ सब मैं आगे सके परे 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 पर